हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इजी। कल हमने डिस्कस की थी एसएससी जेईई की स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने सारा सिलेबस बताया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का, और उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट था हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसका वेटेज था हमारा 20-20 मार्क्स। आज हम उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं बिल्डिंग मटेरियल में, है ना, क्या क्या है इस सब्जेक्ट में, क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में टू वर्ड है आपके, एक तो है आपका बिल्डिंग और एक है आपका मटेरियल। यदि मैं बिल्डिंग की बात करता हूँ तो बिल्डिंग हमारा क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ये। बिल्डिंग हमारा क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बनता है, फॉर्म, वेरियस टाइप ऑफ मेंबर, जो कि किससे मिलकर बना है हमारा मेंबर से, है ना। अब इस बिल्डिंग के परस्पेक्ट में यदि हम देखें तो इसके जो मेंबर हो सकते हैं, इसके मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, यदि इसके मैं मेंबर की बात करूं तो मेंबर हमारा हो सकता है इस पर फाउंडेशन, कॉलम, वॉल्स, तो ये सारे मेंबर मिलके क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं बिल्डिंग। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एक प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हुआ, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। यदि मैं इस स्ट्रक्चर को भी क्लासिफाई करना चाहूँ, तो स्ट्रक्चर हमारे तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हमारा होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड हमारा होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट हमारे पास जो है, यदि मैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को साथ में लिखूं तो उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आपका जो लोड का ट्रांसफर है डायरेक्ट मेंबर्स के थ्रू आपका, यदि मैं इसकी बात करूं, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका कॉलम है और ये आपकी क्या है बीम है। तो जो लोड का ट्रांसफर है, लोड का ट्रांसफर आपका डायरेक्ट बीम से कॉलम और साथ में वॉल पे भी होता हुआ लोड का ट्रांसफर फाउंडेशन पे होता है। यदि हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूं तो उस पे आपकी वॉल पे, वॉल के थ्रू लोड ट्रांसफर नहीं होता, वॉल के थ्रू लोड का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब यदि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जिस पे आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर भी हो जो आपका और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर भी हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारा, कंपोजिट स्ट्रक्चर। मतलब हमारा इस पे हमारा कॉलम के थ्रू भी लोड का ट्रांसफर हो रहा है, वॉल्स के थ्रू भी लोड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या कहला जाएगा, हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर कहला जाएगा। हम इनको बाद में और डीप में स्टडी करेंगे, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बिल्डिंग मटेरियल पर, हम इसको कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। यदि मैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। यदि सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चर की, है ना, बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चर की। यदि मैं अब कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जो भी बनी हुई है हमारी, किसी ना किसी प्रकार के मटेरियल की बनी होगी, कोई भी प्रकार का मटेरियल हो जो अपन इस पर ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इन मेंबर से बना होता है, मेनली इन मेंबर से बना होता है, फाउंडेशन से, कॉलम से, वॉल से और बीम से। तो मैं यदि मैं बात कर रहा हूँ कि फाउंडेशन, किसी ना किसी चीज से तो बनेगा, कॉलम किसी न किसी चीज से तो बनेगा, वॉल किसी न किसी चीज से बनेगी, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली इन मेंबर की। ये मेंबर किसी न किसी मटेरियल से बना होगा और जो मटेरियल से वो बना होगा वही मटेरियल हमारा क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाता है। ये सारी चीजें जिस भी मटेरियल से बनेंगी, जिस भी मटेरियल से बनेंगी, ये क्या कहलाएगा आपका, इंजीनियरिंग मटेरियल, या इसी को हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल, या इसी को बोल सकते हैं हम बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा, अभी अपन बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बिल्डिंग मटेरियल लिखा। अब बहुत सारी ब्रांच होती है, यदि मैं मटेरियल की बात करता हूँ
तो यदि मैं बात करूँ जैसे मैकेनिकल ब्रांच में, तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए मटेरियल डिफरेंट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो आपके मटेरियल्स अलग हो जाएंगे, और सिविल में यदि मैं बात करता हूँ तो सिविल में जो हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है अभी, वो हमको पढ़ना है बिल्डिंग मटेरियल की स्टडी करनी है। जैसे मैकेनिकल वाले यदि बात करें तो मोस्टली जो है इनका जो टॉपिक रहता है स्टील, टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में स्टडी करते हैं, किस टाइप से स्टील का प्रोडक्शन होता है उस चीज़ को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों की यदि बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वाले हमारे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर किस चीज़ से बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, वो चीज़ को देखते हैं। हम सिविल वाले हैं तो हम किसको किस बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट में यदि बात करते हैं तो हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करेंगे। अब मैंने क्या बताया, बिल्डिंग मटेरियल में कोई भी ऐसा मटेरियल, या मैं बोल सकता हूँ कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंजीनियरिंग मटेरियल होगा या बिल्डिंग मटेरियल होगा। अब मैं यदि बात करूँ बिल्डिंग मटेरियल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल क्या है, ओके तो समझ में है। अब मैं बात करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई यदि मैं करना चाहूँ इसको, तो इसको मैं दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के हिसाब से यदि मैं इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूँ तो इसको हम कर सकते हैं, एक तो होता हमारा नेचुरल मटेरियल, एक हमारा होता है नेचुरल मटेरियल, और एक हमारे पास होता है आर्टिफिशियल मटेरियल, आर्टिफिशियल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल की बात करूं तो जो हमको डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए, यदि मैं बात करता हूं नेचुरल मटेरियल में तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे हमारा हो जाता है लाइम, लाइम बाइंडिंग का काम करता है, है ना। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं स्टोन, स्टोन हमको डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं हमारा एग्रीगेट, एग्रीगेट हमको डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता है, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं टिम्बर की, टिम्बर भी हमको डायरेक्ट नेचर से मिल जाता है ना, और भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, इनकी स्ट्रेंथ कम थी, इनकी स्ट्रेंथ कम थी तो हमने क्या किया, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा के इनका दूसरा अल्टरनेट बना लिया। जैसे यदि मैं बात करूँ लाइन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम पर सीमेंट हमने बना लिया, और सीमेंट को यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। स्टोन की जगह यदि मैं बात करूँ तो सॉलिड स्ट्रक्चर में आ जाएगा ये, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं आजकल ब्रिक। पहले के टाइम पे स्टोन से घर बना करते थे, बिल्डिंग्स बना करती थी स्टोन से, आज के टाइम पे अब ब्रिक से बनती हैं, है ना। एग्रीगेट की यदि बात करूँ तो हमने बहुत सारे एग्रीगेट को मिलाया और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया, और उसको हमने नाम दे दिया कॉन्क्रीट, बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के साथ। टिम्बर की जगह पे आजकल जो यूज हो रहा है वो स्टील यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ और भी आर्टिफिशियल मटेरियल है हमारे पास, जैसे हमारा हो गया प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे के सारे हमारे किस पे आ जाएंगे, आर्टिफिशियल मटेरियल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सोर्स के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया मटेरियल को, तो हमारे पास एक होता नेचुरल मटेरियल, एक होता आर्टिफिशियल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल में लाइम, स्टोन, एग्रीगेट, टिम्बर, ये सारी चीजें हम इन सबके बारे में सेपरेट पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल मटेरियल की यदि बात करता हूँ तो आर्टिफिशियल लाइम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने क्या करें, बाइंडिंग मटेरियल पे यूज कर लिया, इसकी जगह पर सीमेंट, सीमेंट ऑलरेडी आपका यदि बात करूँ सीमेंट जो बनता है तो उसमें ऑलरेडी ही आपका क्या होती है, लाइम पाई जाती है, लाइम को यूज कर लिया हमने सीमेंट पर और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। स्टोन की जगह आजकल हम ब्रिक यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट की जगह कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, और टिम्बर की जगह, टिम्बर की स्ट्रेंथ कब थी, टिम्बर की जगह हम आजकल जो यूज कर रहे हैं वो स्टील यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक एंड ग्लास, दूसरा क्लासिफिकेशन यदि मैं देखूँ, इतना क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा बी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से यदि मैं क्लासिफिकेशन करता हूं मटेरियल का तो हमारे पास पहला होता है सीमेंटिंग मटेरियल, देखिए रहा होगा सीमेंटिंग मटेरियल। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ सीमेंटिंग मटेरियल के बाद तो आपका सेकेंड हो जाता है प्रोटेक्टिव मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ तो आपका क्या हो जाता है, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, ओके।
यदि मैं सीमेंटिंग मटेरियल की बात करूं तो सीमेंटिंग मटेरियल को ही हम बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। इसका काम क्या होता है बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल का काम क्या होता है, तो इसका जो हम यूज करते हैं बाइंड डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स को बाइंड करके रखने का काम कौन सा मटेरियल करता है, बाइंडिंग मटेरियल करता है। इसके यदि मैं एग्जांपल में बात करता हूँ तो पहले के टाइम पर जो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था लाइम, जिप्सम को भी हम ऐसा बाइंडिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, और जो आज के टाइम पे यूज होता है वो होता है आपका सीमेंट, ठीक है। प्रोटेक्टिव मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल क्या करते हैं, जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर, जो कि आपके स्ट्रक्चर के आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ड्यू टू वेदरिंग एक्शन से, ड्यू टू वेदरिंग एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे यदि मैं इसके एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं तो इसके एग्जांपल में जैसे हमारा हो जाता है पेंट, वार्निश, डिस्टेंपर, ये सारे के क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आउटर सरफेस को वेदरिंग से। उसके बाद यदि मैं सॉलिड मटेरियल की बात करता हूं तो सॉलिड मटेरियल में आपका क्या होता है, सॉलिड मटेरियल में बोल सकता हूं मैं, हमारे पास होता है स्टोन, एग्जांपल स्टोन, एग्रीगेट, ब्रिक, एग्रीगेट, ब्रिक, टिम्बर, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे किस में जाएंगे, सॉलिड मटेरियल के अंदर रखेंगे। तो हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस है हमको बेसिकली हर एक के बारे में पढ़ना है, लाइम हो गया, जिप्सम हो गया, सीमेंट हो गया, पेंट, वार्निश, डिस्टेंपर, स्टोन हो गया, स्टोन की हमको स्टडी करनी है, एग्रीगेट के टेस्ट वगैरह पढ़ने पड़ेंगे जो कि IIMT एग्जाम पे, ब्रिक मशीनरी के बारे में बात करेंगे, टिम्बर, स्टील, टाइप्स ऑफ स्टील, हालांकि हमको स्टील का बहुत छोटा सा पोर्शन है लेकिन इसका जब एक सब्जेक्ट है हमारा स्टील डिजाइन तो वहां पर हम स्टील की डीप में स्टडी करेंगे, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मिसलेनियस वाला पार्ट हो गया आपका। अब यदि मैं इस पर बात करता हूँ, ये हमारा सिलेबस है, इस पर यदि मैं बात करूँ तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा IIMT जो टॉपिक है हमारा कौन सा, हमारा सीमेंट। यदि मैं 2018 में बात करूँ तो 3 शिफ्टों में सिर्फ सीमेंट से बस 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमारी 3 शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट में 2018 में सिर्फ और सिर्फ सीमेंट वाले टॉपिक से बस 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा हमको स्टडी करनी है सीमेंट की, सीमेंट के बाद हमारा जो टॉपिक आता है IIMT वो क्या है हमारा, इस पे एक टॉपिक और है कंक्रीट, कंक्रीट हमको स्टडी करनी है कंक्रीट की। ये दो टॉपिक हमारे बहुत ज्यादा IIMT 25% वेटेज इसका, या बोल सकते हैं 30% वेटेज इसका, 25% वेटेज इसका होता है हमारा, और फिर हमारा जो IIMT टॉपिक है वो है हमारा टिम्बर, ब्रिक, और फिर हर एक टॉपिक से हमारा एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो स्टडी करेंगे ये है हमारा सिलेबस, इसके हर एक टॉपिक को हम पर्टिकुलर देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा है जो सीमेंट, सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे हमारा सीमेंट, सीमेंट कहां से आया, कैसे बना, ये सारी चीज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हेडिंग है हमारी सीमेंट, सीमेंट के बारे में यदि मैं बात करता हूँ सीमेंट की, तो सीमेंट का जो इन्वेंशन था, जो सीमेंट जो बनी थी वो 1824 में किसने बनाई थी, जोसेफ एस्पिडिन, जोसेफ एस्पिडिन, जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड में एक जगह थी आपकी जहां पर इस सीमेंट को बनाया था इन्होंने, वो जगह का नाम था पोर्टलैंड, पोर्टलैंड, है ना। इसलिए जो इन्हें जो सीमेंट बनाई थी उसका नाम था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट,
इसको हम शॉर्ट में ओपीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1824 में इसको बनाया था। इनने क्या किया था, एक पोर्टलैंड स्टोन होता है, पोर्टलैंड स्टोन का यूज किया जाता था जब सीमेंट नहीं बनी थी 1824 से पहले, और इस पोर्टलैंड सीमेंट के इनने कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाले, मतलब इनने क्या किया, लाइम स्टोन, क्योंकि लाइम स्टोन से ही हमको लाइम मिलती है, जब हम लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको लाइम मिलता है, लाइम स्टोन पे इनने क्या किया था, क्ले लिया था साथ में, और साथ में वाटर के कुछ प्रॉपर मिक्स से इनने क्या कर ली थी, ओपीसी सीमेंट को बनाया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या मिल गई थी, सीमेंट मिली थी, ठीक है। अच्छा, इतनी चीज क्लियर, ओके। आगे चले हम यदि तो सीमेंट के बारे में हम और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सीमेंट बनता कैसे है, क्या दिख रहा है, सीमेंट, सीमेंट बनता कैसे है, ऑब्टेन बाय पुलवराइजेशन ऑफ क्लिंकर, पुलवराइजेशन ऑफ क्लिंकर फॉर्म्ड बाय formed by calcination of raw material, calcination of raw material। अब यहां पर इसके डेफिनेशन पर मैंने क्या लिखा है, सीमेंट की, सीमेंट जो आपको मिलता है calcination of raw material, raw material के calcination से आपको क्या मिलता है, सीमेंट मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, जब आप क्लिंकर्स का पुलवराइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर आपकी तीन मेजर मार रही हैं, एक तो आपका रॉ मटेरियल क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, और एक टर्म है आपका क्लिंकर क्या होता है, है ना। अच्छा, यहाँ पर अपन पुलवराइजेशन क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ, रॉ मटेरियल कौन से हमारे, रॉ मटेरियल कौन से हैं, रॉ मटेरियल कौन से हमारे, तो रॉ मटेरियल को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। एक हमारे पास होते हैं आर्जिलेशियस, आर्जिलेशियस मटेरियल, और एक हमारे पास होता है कैल्केरियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल क्या होता है, आर्जिलेशियस मटेरियल जिसमें ज्यादा मात्रा में आपका क्ले पाया जाता है, या बोल सकते हैं सेल पाया जाता है, सेल एक प्रकार का स्टोन है आपका। दूसरी चीज यदि मैं बात करता हूँ, कैल्केरियस मटेरियल जिसमें आपकी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, जैसे आपका लाइम स्टोन, लाइम स्टोन ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो रॉ मटेरियल में हम और भी चीजें लिख सकते हैं इंग्रेडिएंट के हिसाब से, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे हमारा बेसिक में लिखूंगा, सारे नहीं लिखूंगा अभी क्योंकि इनकी बात हम इंग्रेडिएंट में करेंगे। लाइम हो गया हमारा, सिलिका हो गया हमारा, एल्यूमिना हो गया, और हमारे पास जो होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज जो है आपकी, इनको रॉ मटेरियल में बोल सकते हैं, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल हैं, ठीक है। अच्छा, कैल्सिनेशन नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, है ना, हीटिंग द सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर में हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हमें हीट नहीं करना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, हीट करने से क्या होगा, तो इस पर यदि रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में यदि हमारा मॉइस्चर है तो उसको हम खत्म कर देते हैं, रिड्यूस द मॉइस्चर, ठीक है। ये हो गया हमारा कैल्सिनेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्लिंकर, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्लिंकर, क्लिंकर क्या होते हैं, तो क्लिंकर कुछ नहीं है, जैसे आप रॉ मटेरियल को क्या करोगे, गर्म करोगे तो आपको स्मॉल पीसेस मिल जाएगी ब्लास्ट फर्नेस की, स्मॉल पीसेस
ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट की मतलब छोटे 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 पत्थर हमको स्टोन के मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत बारीक। अच्छा, एक इसके बाद हमारा क्या आता है क्लिंकर के बाद, पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन कुछ कुछ नहीं है, हम क्या कर देते हैं जो हमारे स्मॉल पीसेस हैं इनकी ग्राइंडिंग कर देते हैं, तो ये जो डस्ट फॉर्म पे हमको मिलता है, जो हमको डस्ट फॉर्म पे जो मिलता है, ये जो प्रोसेस है जो हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं और उससे जो हमको डस्ट फॉर्म पे जो भी चीज मिल रही है वो हमारा क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन कहते हैं। ऑब्टेनिंग डस्ट फॉर्म, ये क्या कहला जाएगा, पल्वराइजेशन कहला जाएगा। अब जो भी ये मैंने लिखा है अभी, ऑब्टेनिंग बाय पल्वराइजेशन ऑफ क्लिंकर फॉर्म बाय कैल्सिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल, यदि मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ गया ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कि हमने क्या किया, हमारे पास जो रॉ मटेरियल था, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का हमने क्या कर दिया, कैल्सिनेशन कर दिया, रॉ मटेरियल का हमने कैल्सिनेशन कर दिया, और इसके कैल्सिनेशन से हमको क्या मिल जाएंगे, क्लिंकर्स मिल जाएंगे, क्लिंकर्स मिल जाएंगे। और जब हम इनका ग्राइंडिंग कर देंगे तो डस्ट फॉर्म पे हमको क्या मिल जाएगी, सीमेंट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी हमको, सीमेंट मिल जाएगी। हमने क्या किया है, क्लिंकर्स का पल्वराइजेशन, इसका पल्वराइजेशन करने पे हमको क्या मिल गई, सीमेंट मिल गई। ओके, और ये सीमेंट किस फॉर्म में मिलती है हमको, डस्ट फॉर्म में मिलती है। ठीक, यहां तक की चीज समझ में आ गई, इसको रब कर दो। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पर सारी चीजें लिखी हुई है। अब यदि मैं बात करता हूँ सीमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सा, तो सीमेंट अकेले बाइंडिंग मटेरियल का काम नहीं करता, सीमेंट में जब वाटर मिलाया जाता है, सीमेंट में हमने क्या किया, वाटर मिला दिया, तो ये दो तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है आपका, ठीक है। अच्छा, जैसे ही सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जनरेट हीट और केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ था कि जब सीमेंट में हम वाटर मिलाते हैं तो उस पर हीट जनरेट होती है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, जैसे ही आप सीमेंट में आप वाटर मिलाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो आपको याद रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है, ठीक है। यदि मैं इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करूं सीमेंट की, जैसे आप इसमें मिलाएंगे वाटर सीमेंट में, तो आपकी दो तरीके की प्रॉपर्टी को शो करेगा, एक होता है हमारे पास एडहेसिव प्रॉपर्टी और एक हमारी शो करती है कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव प्रॉपर्टी का यदि मैं एग्जांपल लिखूं तो एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी, जैसे आपका हो जाएगा एग्रीगेट प्लस सीमेंट, जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडहेसिव। इसको मैं लिखूं अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, और यदि मैं कोहेसिव का एग्जांपल लिखूं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सीमेंट के पार्टिकल्स खुद से ही क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो सीमेंट और सीमेंट के जब पार्टिकल्स है, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाई जाएगी, कोहेसिव प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी, अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो हमारी जो सीमेंट है दो तरीके की प्रॉपर्टी को शो करती है, एक हमारी होती है एडहेसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी कोहेसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर नोट कर लेना, जो हमारी सीमेंट है हमारी जो
जब वाटर वेल आते हैं तो दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक हमारा होता है हाइड्रोलिक सीमेंट और एक हमारी होती है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होती है और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होती है, यदि इसके बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोलिक सीमेंट जब सीमेंट में वाटर मिलाया जाता है तो ये क्या करती है, स्ट्रेंथ गेन करती है, इस पर स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ इस पर क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। और जो इस पर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। यदि मैं बात करूं हाइड्रोलिक सीमेंट से तो हाइड्रोलिक सीमेंट से वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर इससे बनाए जा सकते हैं। जबकि मैं यदि बात करता हूं नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट की तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट तो वाटर के साथ मिलती है तो आपकी ये स्ट्रेंथ शो नहीं करती, डजंट शो स्ट्रेंथ विथ वाटर, ठीक है। और ये जो है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाती, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो ये नहीं बनाती है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ इसका एग्जांपल देख लेते हैं किस टाइप की, इसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी वाटर के साथ स्ट्रेंथ नहीं देता, ठीक है, या मॉइस्चर जब उसको होता है तो वो स्ट्रेंथ नहीं देती उसको पीओपी में। यदि मैं बात करूँ नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट मिलती कैसी है तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट जो मिलती है वो कैल्सिनेशन, जिप्सम के कैल्सिनेशन से मिलती है, कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम, कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं, तो हमारा क्या है इंग्रेडिएंट, सीमेंट के इंग्रेडिएंट, और इस इंग्रेडिएंट में हम ऑर्डिनरी पोटेंट सीमेंट के इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट क्या होता है, हमको इंग्रेडिएंट्स भूल जाते हैं तो इसको याद रखने के लिए हमको एक कोड याद रखना है, लूसी अलका इंसा, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, लाइम सिलिका एल्यूमिना कैल्शियम सल्फेट आयरन ऑक्साइड